प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इस मामले में अब्बास को अंतरिम राहत देते हुए आरोप पर दाखिल होने तक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। पुलिस ने अब इस मामले में आरोप पत्र दाखिल करा दिया था और आगे की कार्रवाई कर रही है। अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने बताया है कि अब्बास अंसारी ने आरोप पत्र को रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की थी। मामला सूचीबद्ध होकर कोर्ट में पेश होगा। अब्बास ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों के हिसाब किताब करने की बात कही थी, जिस पर पुलिस ने प्राथमिकता दर्ज की थी। मामले में अब्बास अंसारी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए आरोप पत्र दाखिल होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से पुलिस ने 11 मई को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था और वह आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। वहीं अब्बास अंसारी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अपने भाषण में अधिकारियों से हिसाब किताब करने की बात कही थी। अब्बास अंसारी के वायरल वीडियो से भाषण के मुख्य अंश कुछ इस तरह से थे, सूद समेत वापस लौटाऊंगा, जो आज डंडा चला रहे हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री होने वाले अखिलेश भैया से कहकर आया हूँ, 6 महीने तक कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, जो है वो यही रहेगा, जिस जिस के साथ जो जो किया है उसका हिसाब किताब यही देना पड़ेगा।